आज दिनांक बुधवार 25 सितंबर 2019 श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 स्थित प्रज्ञ की अवधारणा श्लोक 54 से 59 तक। अध्याय 2 में अर्जुन प्रश्न करता है श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थधि किम प्रभासित किमासी ब्रजेत किम। अर्जुन यह पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह कैसे बोलता, स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि में जो स्थित है, जो परमात्मा को प्राप्त हुआ, स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो इस पर अर्जुन के जवाबों को श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये वात्मनातुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे कहते हैं, दुखे स्वनुदिग्मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। 56वां श्लोक कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57वां श्लोक, यह सर्वत्रान विस्नेहस्त तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और 58वें श्लोक में कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सबोर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। आगे 59वें श्लोक में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय भोग निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो जो है संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है, संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष मन से संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और वह स्वयं अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, आत्म संतोष उसको रहता है स्थित प्रज्ञ पुरुष को। और दुख और सुख वो दोनों की, जो चाहे सुख आ जाए, चाहे उसको अनुकूल परिस्थितियां आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का उसे दुख आदि संयोग प्राप्त होते हैं
तो वह स्थिति प्रज्ञ पुरुष में कोई भी उद्विग्न नहीं होता, किसी भी प्रकार से वह उद्विग्न नहीं होता है। और या तो सुख आ जाए तो सुख की प्राप्ति में उसकी कोई स्पृहा नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती, यह ऐसे ही सदैव सुख ही मिलता रहे, यानी कि उसमें सुख के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसा जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि वह स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है उसके क्या जो जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि जिसमें स्टेबिलिटी आ गई, जो स्टेबल है, जिसका मन स्टेबलाइज्ड हो गया हो, जिसका जो चित्त है वो निरुद्ध हो गया हो, चित्त की एक अवस्था है जो निरुद्ध है, निरुद्ध चित्त की पांच अवस्थाएं होती हैं जिसमें एक अवस्था होती है चित्त की निरुद्धावस्था। तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो चित्त होता है वह निरुद्ध चित्त हो जाता है और उसकी जो बुद्धि होती है स्टेबल हो जाती है, वह स्टेबल रहता है, उसमें सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे दुख हो, जितने भी प्रकार के द्वंद हैं, द्वंद मतलब दो से है, द्वंद का अर्थ दो से है, यानी कि चाहे दिन हो या रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, चाहे जो भी हो उसमें वह सम रहता है, उसमें समत्व आ जाता है। आगे कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता है, और जिसका राग भय, राग मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट, किसी भी विषय से उसकी अटैचमेंट नहीं रह जाती है स्थित प्रज्ञ पुरुष में, और कि संसार के किसी भी मृत्यु तक का उसको भय नहीं होता है, भय रहित, मुक्तस्य किम लक्षण निर्भयम, तो जो उसके लक्षण है वो निर्भय है, और क्रोध मुक्त, और उसका जो क्रोध है, क्रोध क्या है, क्रोध है जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कामना आती है, कामना की पूर्ति जब नहीं हो पाती है तो कामना की पूर्ति न होने के कारण हमें क्रोध आता है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के अंदर कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, इसलिए स्थित प्रज्ञ पुरुष क्रोध से मुक्त हो जाता है। और सर्वत्र स्नेह रहित, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी लगाव नहीं रह जाता है, कैसे, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सभी प्रकार से समेट लेता है, ठीक है, तो कछुआ जिस प्रकार से सभी अंगों को, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को के विषयों से अपने इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, इंद्रियजन विषयों से अपने मन को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि मतलब कि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। उसकी बुद्धि स्थिर कब है, जब वह जो इंद्रियजन्य विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह, जो भी उसके जो भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जो इंद्रियजन्य जो ये विषय हैं, इससे अपने इंद्रियों को हटा ले, आसक्ति उसमें खत्म हो जाए, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। उदाहरण श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को समझाने के लिए, यह और वह इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, और पुरुष के भी केवल विषय भोग निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी, जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करता है, विषय यानी इंद्रियां मतलब विषयों में होते हुए भी, जैसे कि कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी उससे लिपायमान नहीं होता, उसी प्रकार से वो विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय भोग निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नहीं निवृत्त होती,
लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, इसकी जो आसक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ, यह तो उदाहरण एक दूसरा देते हैं, यह उदाहरण दूसरे संदर्भों में है कि आसक्ति तो निवृत्त नहीं होती है, भले से वो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वो उससे कहीं आगे की अवस्था है, उसकी जो है आसक्ति है, जो भी आसक्ति है परमात्मा का, जब उसको साक्षात्कार हो जाता है, जब वो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, तो उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तो ये था स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण और स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवधारणा, जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। जय गुरुदेव, मैं हूँ श्री देवेश बाबा।